Hello friends. So friends, in this lecture we are going to start with a new chapter, that is leasing finance. चलो जी, पहले तो इस चैप्टर की कहानी सुन लो क्या है. लीजिंग फाइनेंस चैप्टर जो है, सबसे पहली चीज कि ये चैप्टर सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, दैट इज द न्यू कोर्स स्टूडेंट्स. जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लीजिंग फाइनेंस का चैप्टर नहीं है. राइट, तो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स को नहीं देखना ये चैप्टर. दूसरी चीज, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर सिर्फ नवंबर 2019 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स देखेंगे. ठीक है, उसके ऑनवर्ड्स जितनी अटेम्प्ट हैं उनके लिए ये चैप्टर डिलीट हो चुका है. ये ICAI की नोटिफिकेशन है कि जो लीजिंग फाइनेंस का चैप्टर है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टिल नवंबर 2019 अटेम्प्ट. मई 2020 अटेम्प्ट से ये चैप्टर उन्होंने रिमूव कर दिया है. कंप्लीटली ये चैप्टर पूरा के पूरा रिमूव हो चुका है हमारे सिलेबस में से. ठीक है, तो मैंने मिसलेनियस लेक्चर्स में वो ICAI की नोटिफिकेशन डिस्कस की थी वहां पर. अब क्योंकि हमारे पास नवंबर 2019 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये चैप्टर जो है लीजिंग फाइनेंस का कवर करना है. हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली कवर करेंगे 3 लेक्चर्स में. अब होगा क्या, इसके बाद ये चैप्टर करने के बाद जो न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं दैट इज सीए इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका FM का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद उनके लिए FM में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग रीड करते रहो, जहाँ पे दिक्कत आएगी मेरे से क्वेश्चन पूछते रहो, चाहे मेरे को मेल कर दो, चाहे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हो. ठीक है जी, बात आई कि सर CA IPCC स्टूडेंट्स जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चैप्टर रहेगा दैट इज़ कैश फ्लो फंड फ्लो. उसमें से भी कैश फ्लो मैंने कहा था प्लस टू के लेक्चर से कवर कर लो. जो कवर कर चुके हैं मैं कैश फ्लो बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, 2 या 3 लेक्चर्स मैक्सिमम कैश फ्लो में मैं कवर कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद 2-3 लेक्चर्स मैं लगाऊंगा फंड फ्लो के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने कैश फ्लो फंड फ्लो अकाउंट्स में भी कवर करना है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे. ठीक है, AS3 में भी आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पर भी प्रिपेयर करोगे, वहां पर भी समझोगे. लेकिन यस, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, मुझे करवाना है एक बार तो मैं उसको करवा दूंगा आपके पास शॉर्ट में. कुछ क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की तो उन स्पेसिफिक क्वेरीज को भी हम लोग टेकअप कर लेंगे. तो उसमें हम फटाफट से 2-3 लेक्चर्स में कैश फ्लो करेंगे, 2-3 में फंड फ्लो खत्म करेंगे. उसके बाद ओल्ड कोर्स का भी, ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कोर्स जो है वो हमारे पास कंप्लीट रहेगा. ठीक है, तो लीजिंग फाइनेंस ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना देख कर सर ये चैप्टर कौन सा है. ठीक है, ये सिर्फ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2019 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए है. उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, उसके बाद मई 2020 अटेम्प्ट से ये चैप्टर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट दैट इज द न्यू कोर्स स्टूडेंट्स. उनका इसके साथ कोर्स खत्म हो जाएगा, ये 3 लेक्चर्स के बाद उनके लिए ये कोर्स खत्म है. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो उसके लिए अब सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि लीज क्या है. व्हाट इज अ लीज? सपोज आप लोग घूमने गए हो, आप लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने गए. ठीक, वहां जाकर आपने क्या किया, वहां जाकर आपने एक कार ले ली रेंट पर. ठीक है, कार रेंट पर ले ली फॉर रोमिंग अराउंड, घूमने के लिए आपने एक कार ले ली रेंट पर. आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने कहा यार अब कहाँ पर हम लोग बार बार कैब करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, एक हम रेंट पर कार ले लेते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार, हम लोग खुद ड्राइव करेंगे, इंजॉय करेंगे आराम से, जहाँ रुकना होगा रुक जाएंगे, जहाँ घूमना होगा घूमते रहेंगे. ठीक है, होता है ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है. ठीक है, इसका जो कार रेंटल है जैसे कि जूम कार है, ठीक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड ही आई थिंक प्रोवाइड करती है, इंडिया में तो करती है तो वर्ल्ड में भी. सपोज जूम कार से आपने कार रेंट पे ले ली, आपने एयरपोर्ट से कार ली, पिकअप की, और जब वापस इंडिया आना होगा तब आपने एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दोगे. दिस इज द सिस्टम. अब जब आपने कार रेंट ली, जब आप यहाँ पे घूम रहे हो, तो क्या आप इस कार के ओनर हो? जितने दिन के लिए आपने कार रेंट पे ली है तो क्या आप इस कार के ओनर बन जाते हो? नो.
क्या आप ओनर कौन है? ओनर तो सर ये जूम कार है, जिसकी कार है, हम तो ओनर नहीं है, लॉजिकल है। तो क्या ये जूम कार आपको फ्री में कार दे देगी यूज करने के लिए? नहीं। तो क्या करेगी वो इस कार के लिए आपसे कार रेंटल्स चार्ज करेगी, कुछ पैसा चार्ज करेगी ना, अगर उनकी गाड़ी यूज करनी है तो वो पैसा तो चार्ज करेंगे, क्योंकि जब गाड़ी यूज करोगे तो हो सकता है गाड़ी कहीं लग भी जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ उसकी वियर एंड टीयर भी होगी गाड़ी की, तो वो क्या करेगी, जूम कार रेंट चार्ज करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जब आपने कार रेंट पे ली, आपने उसका रेंटल पे किया जूम कार को, इसी को तो लीज कहते हैं सर। मतलब समझ नहीं आया सर? यहां पर है मेरे पास जूम कार और यहां पर है मिस्टर एक्स, जिन्होंने गाड़ी रेंटल पे ली। अब जूम कार ने क्या किया, जूम कार ने इनको क्या दी, इनको कार दी और एसेट दिया। एसेट है ना, वो किसका एसेट है, जूम कार का एसेट है। और मिस्टर एक्स ने बदले में उनको क्या दिया, रेंटल दिया, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। मतलब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एक पर्सन ने, जो ओनर था एसेट का, उसने अपना एसेट किसी को दे दिया यूज करने के लिए, सिर्फ यूज करने के लिए। उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, ओनर अभी भी जूम कार है, वो सिर्फ मिस्टर एक्स उस कार को क्या कर सकते हैं, मिस्टर एक्स उस कार को सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले में जूम कार ने उनसे क्या किया, रेंट चार्ज किया। दिस इज कॉल्ड द लीज एग्रीमेंट, ठीक। और इस एग्रीमेंट में दो पार्टीज होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं लेसर और इसको हम लोग बोलते हैं लेसी, ठीक है। जो एसेट देता है वो लेसर है, जो लेता है वो लेसी है, क्लियर। सो एनी एग्रीमेंट वेयर द एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओनर टू अनदर पर्सन फॉर यूज बाय अनदर पर्सन एंड दैट अनदर पर्सन विल पे द अमाउंट, रेंटल अमाउंट इन रिटर्न फॉर द यूज ऑफ दैट एसेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लीज, क्लियर। सपोज हम लोग एक घर लेते हैं रेंट पे, हम लोग कहीं बाहर शिफ्ट हुए, हमने वहां पे रेंट पे घर ले लिया, तो क्या आप उस घर के मालिक बन जाते हो? नहीं बनते ना, मालिक तो कोई और है ना, लैंडलॉर्ड तो कोई और है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ उस जगह को यूज करने के लिए आप उसका रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। आप उस जगह को यूज करने के लिए आप उसका क्या करते हो, रेंट पे करते हो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, आप उसके मालिक नहीं बनते, ठीक। वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह की लीज है, उसको भी हम लोग लीज बोलते हैं, ठीक है। हम तो बोलते हैं सर रेंट एक ही बात है, लीज रेंटल्स बोलते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो अ लीज, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना एसेट, उसने अपना घर आपको दिया है यूज करने के लिए, यू आर नॉट द ओनर, ठीक है, और इंचार्ज, इन रिटर्न उसने रेंट चार्ज किया, क्लियर। चलो जी पढ़ते हैं, लीजिंग क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स। उसने कहा लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, दैट इज द ओनर, या उसको लेसर बोल देते हैं या उसको लीजिंग कंपनी बोल देते हैं, परचेजेस द एसेट एंड परमिट्स इट यूज बाय अनदर पार्टी। एसेट किसका है, गाड़ी कौन खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा तो जूम कार ना, ठीक है, ये गाड़ी खरीदने तो लगा नहीं, तो गाड़ी किसकी, जूम कार की, जो है ओनर, उसको लेसर भी बोलते हैं, उसको लीजिंग कंपनी भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ओनरशिप। परचेजेस द एसेट एंड परमिट्स इट्स यूज बाय अनदर पार्टी, दैट इज द लेसी, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसे यूज करने देते हैं, ठीक है। दस लीजिंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू द परचेज ऑफ एन एसेट आउट ऑफ ओन और बोरोड फंड्स, ठीक। तो यहां पे अगर हम लोग एक घर रेंट पे ले रहे हैं, एक हम लोग होम रेंट पे ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होम को बाय करने की बजाय हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसको या तो बाय कर लें या हम घर रेंट पे ले लें। तो हमने कहा अभी इतने पैसे नहीं है कि बाय कर लें, अभी रेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वही उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ बाइंग यू आर पेइंग द रेंट, ठीक।
लीजिंग इज अ रेंटिंग आउट ऑफ एन एसेट बाय द ओनर टू अ पर्सन फॉर अ रिकरिंग कंसिडरेशन कॉल्ड द लीज रेंटल्स पेबल ओवर द पीरियड ऑफ टेनेंसी. ठीक है, जितनी देर आप उस घर में रहोगे तब तक उसके रेंट पे करोगे, दैट इज कॉल्ड द लीज रेंटल्स. क्लियर. अब लीजिंग के टाइप्स क्या हैं? सिंपल है, अब लीजिंग के टाइप्स देखते हैं क्या है. उसने कहा मेजरली पहले तो दो टाइप्स हैं, पहले दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे. वन इज द फाइनेंस लीज एंड द अदर वन इज द ऑपरेटिंग लीज. चलो, एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और दूसरे कौन है, मिस्टर वाई. मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ एसेट, ओनर ऑफ एसेट या मशीनरी जिसे कह देते हैं, कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीनरी दे दी मिस्टर एक्स को यूज करने के लिए, लीज पे दे दी. ठीक है, उन्होंने दी एक साल के लिए, और एक साल का जो लीज रेंट था वो था 2 लाख रुपए. ठीक हो गया. अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लीज है, द लीज इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के लिए है, और उसकी जो कॉस्ट है दैट इज ओनली 2 लाख रुपीज. तो मिस्टर वाई को कितना, 2 लाख आएगा, तो वो अपने जो उसका एसेट है 10 लाख रुपए का, उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा उस लीज रेंट से. ठीक है, मिस्टर वाई कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, 2 लाख रुपए आ रहा है ना, मैं एक साल के बाद वो एसेट मिस्टर एक्स से लेकर मैं मिस्टर जेड को दे दूंगा, उससे 2 लाख रुपए चार्ज कर लूंगा एक साल के, फिर वो वापस लेकर मैं किसी और को दे दूंगा, मिस्टर ए को दे दूंगा, उससे 2 लाख रुपए चार्ज कर लूंगा. जो ये प्रोसेस चलता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज. जब शॉर्ट पीरियड के लिए हो, जो लीज रेंटल्स हैं वो पूरी कॉस्ट को रिकवर नहीं करते. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो कभी भी इस लीज को कैंसिल कर सकते हैं. मिस्टर एक्स कभी भी इसको एसेट वापस कर देंगे, लीज कैंसिल कर देंगे, इसमें क्योंकि शॉर्ट पीरियड है. ठीक है, आपने एक घर रेंट पे लिया, अब 6 महीने बाद आपको पसंद नहीं आया, आप छोड़ के चले जाओगे. सिंपल सी बात है ना, आप छोड़ के चले जाओगे, आप कहोगे बाकी का रेंट मैं नहीं देता, सिक्योरिटी है, रख लो, कोई बात नहीं. एक साल के लिए घर रेंट पे लिया, वो क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग लीज. अब घर की कॉस्ट, जो घर बनाने में कॉस्ट लगी थी 2 करोड़ रुपए, लेकिन एक साल का रेंट कितना आ रहा है, सपोज 4 लाख 5 लाख रुपए आ रहा है, तो क्या वो घर की कॉस्ट रिकवर हो रही है, नहीं हो रही, जब तक उसमें 50-60 टेनेंट्स नहीं आ जाते. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंशियल लीज क्या है, ये तो होगी मेरे पास ऑपरेटिंग लीज. ठीक है, बेसिक समझ आ गया ऑपरेटिंग लीज का. और दूसरी मेरे पास फिर आती है फाइनेंशियल लीज. ठीक है, फाइनेंशियल लीज क्या है कि मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर वाई, मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ एसेट, ओनर ऑफ एसेट कॉस्टिंग 10 लाख. ठीक है, और जो लाइफ है एसेट की, लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स. ठीक, अब क्या होता है कि जो मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई इनको एसेट दे देते हैं लीज पर, लीज फॉर 10 ईयर्स. वो कहते हैं कि अब मिस्टर वाई ने क्या किया, उसने अपना पूरा के पूरा एसेट दे दिया मिस्टर एक्स को. ठीक है, 10 साल यूज करने के लिए. ठीक है, और उसके जो लीज रेंट है, लीज रेंटल, दैट इज एट द रेट ऑफ 1,50,000 पर ईयर. तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 15 लाख. ठीक है ना, 10 ईयर्स में कितना कमाया उन्होंने, 15 लाख. अब जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर हो गई 10 लाख की, सर उसके ऊपर 5 लाख और कमा लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया. तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीज, व्हेन इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और व्हेन इट इज फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट. जब पूरी के पूरी लाइफ के लिए हमने उसको यूज करना है और हमें कॉस्ट रिकवर हो रही है, तब हम उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीज. ऑपरेटिंग लीज होता है कि जब कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. फाइनेंशियल जो लीज है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लाइफ ऑफ एसेट. उसने 10 साल, उसने कहा 10 साल आप एसेट यूज करते रहो,
मिस्टर एक्स, दोनों केस में मिस्टर एक्स इज नॉट द ओनर. ओनर कौन है? मिस्टर वाई है. चाहे वो एक साल के लिए दे रहा है, चाहे वो दस साल के लिए दे रहा है, ओनर मिस्टर वाई रहेंगे. मिस्टर एक्स के पास ओनरशिप नहीं जा रही, सिर्फ राइट टू यूज एन एसेट जा रहा है. ठीक है, एक है जिसमें शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहा है और एक है जिसमें लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है, लाइफ ऑफ एसेट के इक्विवेलेंट पीरियड के लिए यूज कर रहा है. ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें से. मीनिंग, अ फाइनेंशियल लीज इज एन अरेंजमेंट टू फाइनेंस द यूज ऑफ इक्विपमेंट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. मैंने कहा यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 साल थी, तो उसने 10 साल की उसको लीज दे दी. इट इज कॉल्ड कैपिटल लीज एज इट इज नथिंग बट अ लोन इन डिस्गाइज. बेसिकली एक तरह से लोन है 10 साल का, ठीक है ना, जो हम उतारते रहेंगे, पे करते रहेंगे, उतारते रहेंगे. ठीक है जी. ऑपरेटिंग लीज क्या है? अ लीज इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज इफ इट डज नॉट सिक्योर द लेसर द रिकवरी ऑफ कैपिटल आउटले प्लस अ रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द लीज टर्म. कहता अगर लीज टर्म में जितनी उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जितने का उसने एसेट बाय किया था, अगर उतना पैसा उसे वापस नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज. टर्म, कंपेयर टू एन ऑपरेटिंग लीज अ फाइनेंशियल लीज इज अ लॉन्गर टर्म एंड इट इज अ शॉर्टर टर्म. कर लिया डिस्कस 10 साल और 1 साल. रिस्क एंड रिवॉर्ड, द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू द लेसी, द लेसर ओनली रिमेन्स द लीगल ओनर. अच्छा, अब इसमें क्या कहता है? मिस्टर वाई कहते हैं मैं 10 साल के लिए एसेट आपको दे रहा हूं, अब एसेट की देखभाल करना आपकी जिम्मेवारी है. ठीक है, एसेट को कुछ हो जाता है, आपका रिस्क है. क्यों? क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए दे रहा हूं आपको एसेट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू मेंटेन द एसेट. जबकि ओनर मिस्टर वाई है, लेकिन मेंटेनेंस किसके पास आ गई? मिस्टर एक्स के पास आ गई, क्योंकि उसे लंबे टाइम के लिए एसेट यूज करने को मिल रहा है. जबकि ऑपरेटिंग लीज में द लेसी इज ओनली प्रोवाइडेड द यूज ऑफ एसेट फॉर सर्टेन टाइम, द रिस्क इंसिडेंट टू ओनरशिप बिलोंग होली टू लेसर. क्लियर? ऑब्सोलेसेंस, द लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस और यहां पर लेसर. ऑब्वियसली ये रिस्क से रिलेटेड हो गया ना. ऑब्सोलेसेंस क्या है? रिस्क है, खराब हो जाना, पुराना हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाना. ठीक है, यहां पर किसका रिस्क है? लेसी का. क्यों? क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए एसेट ले रहा है. यहां पर किसका है? लेसर का, एक साल के लिए सिर्फ ले रहा है. क्योंकि राइट टू कैंसल, द लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल्स एंड नॉट इन द एसेट, ही मस्ट गेट हिज प्रिंसिपल बैक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, सो द लीज इज जनरली नॉन कैंसिलेबल बाय ईदर पार्टी. ठीक है, क्योंकि लेसर को है कि मुझे पैसा मिलता रहेगा. ठीक है, एज द लेसर डज नॉट हैव डिफिकल्टी इन लीजिंग द सेम एसेट टू एनी अदर विलिंग लेसर, द लीज इज कैंसिलेबल बाय द लेसर. यहां पर क्या है? यहां पर वो कहता है कि 6 महीने के बाद उसने देखा कि मिस्टर एक्स का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था. उसने क्या किया? उसने सिक्स मंथ्स के बाद उसने लीज को कैंसिल कर दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता है एक्स नहीं आएगा तो किराए पे कोई और आ जाएगा, मिस्टर जेड को दे दूंगा मैं. उसने 6 महीने के बाद लीज कैंसिल कर सकता है ऑपरेटिंग लीज के केस में. इसमें उसे पता है मुझे 10 साल के लिए पैसा आना है, मेरी ये कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो मैं इसको कैंसिल क्यों करूं? उसे इंटरेस्ट है पैसे में, पैसा आ रहा है ना, तो मिस्टर एक्स का बिहेवियर जो मर्जी है, मुझे क्या लेना देना, मुझे पैसे से मतलब है, पैसा आ रहा है, बस खुश रहो. ठीक, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, द लेसर एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन ओनली एज अ फाइनेंसर, ही डज नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशंस. मैंने बता दिया आपको, जब लॉन्ग टर्म के लिए एसेट उसको ट्रांसफर कर दिया, तो मिस्टर वाई बोलते हैं कि रिस्क भी तुम्हारा है, रिपेयर्स भी तुम्हारी है, ऑब्सोलीट लॉस भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ ओनर मैं हूं, दैट्स इट. ठीक, वही चीज उसने कही. और दूसरे केस में द लेसर बियर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशंस. क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स कहेगा जी 1 साल के लिए आपने घर रेंट पे दिया मुझे, कम से कम अच्छे से उसको मेंटेन तो करवा दो. अब 1 साल के लिए भी मैं थोड़ी ना मेंटेन करवाऊंगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं 2 लाख रुपए किस लिए दे रहा हूं आपको? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर, दिस इज ऑपरेटिंग लीज. फुल पे आउट, द लीज इज यूजली फुल पे आउट, दैट इज द सिंगल लीज रीपेज द कॉस्ट ऑफ एसेट टूगेदर विद इंटरेस्ट देयर ऑन. द लीज इज यूजली नॉन पे आउट सिंस द लेसर एक्सपेक्ट टू लीज द सेम एसेट ओवर एंड ओवर अगेन टू सेवरल यूजर्स. वो कहता है कि इस एसेट, जो सेकेंड केस है फाइनेंशियल लीज में, उसने एक लीज एग्रीमेंट किया और उस एक लीज एग्रीमेंट से ही उसे पूरी के पूरी एसेट की कॉस्ट रिकवर हो गई, 10 लाख की हो गई. यहां पर जब तक वो मल्टीपल ऑपरेटिंग लीज के केस में, जब तक वो मल्टीपल एग्रीमेंट्स नहीं करेगा,
तब तक उसे ये कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं फुल पे आउट। ठीक है, कि एक ही लीज एग्रीमेंट में सारी की सारी पेमेंट रिकवर होगी, और इसको बोलते हैं नॉन फुल पे आउट। कि इसमें आपको मल्टीपल एग्रीमेंट्स जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी। क्लियर? सो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। 4 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है आपसे, इसमें हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, 4 मार्क्स में आपको ये चीज़ आराम से FM में पूछी जा सकती है, दैट डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल लीज एंड द ऑपरेटिंग लीज। अगर इस तरह से लिख कर आ जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो उन्होंने भी एक्सप्लेन कर रखा है सारा कुछ, ये उन्होंने सिर्फ उसको पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, हमने उसको पॉइंट फॉर्म में रीड कर लिया सारा। ठीक, तो थोड़ा सा इजी हो जाती है ये चीज़ इस तरह से रीड करनी। अगर ये चीज़ कराओगे एग्जाम में, इस तरह से बनाओगे, यू विल बी एट अ बेनिफिट, टीचर को भी एकदम से पता चलेगा कि हाँ, कि स्टूडेंट को ये चीज़ पता है। ठीक, दूसरा उसने कहा वेरिएंट्स ऑफ फाइनेंस लीज क्या है, जो लॉन्ग टर्म लीज है उसके क्या वेरिएंट्स है। उसने कहा 2 वेरिएंट्स हैं, लीज विद परचेज ऑप्शन। क्या करता है, 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद लीज खत्म होगी ना, तो मतलब मिस्टर एक्स को जो एसेट है वो वापस देना होगा मिस्टर वाई को। ठीक है, लेकिन मिस्टर एक्स बोलते हैं वाई को कि जब आपका पैसा रिकवर हो गया 10 लाख रुपए, तो आपने एसेट क्या करना है। वो कहता मुझे बेच दो एसेट, मैं बाय कर लेता हूं, नाउ आई बिकम द ओनर ऑफ दैट एसेट। ठीक है, मिस्टर एक्स ने सीधा स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने कहा जब एसेट ठीक चल रहा है 10 साल के बाद भी, तो मैं एसेट वाई को क्यों दूं, दोनों का बेनिफिट है। देख लो, वाई की जितनी कॉस्ट थी वो रिकवर हो गई, उससे ऊपर ही रिकवर हो गया 5 लाख रुपए। अब मिस्टर एक्स कहता है कि मैं इस एसेट को बाय कर लेता हूं, आप मुझे ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मैं इस एसेट को और 5 साल चला सकता हूं, चलाए ना चलाए उसकी मर्जी। वो कहता मुझे 10 साल की लीज थी, 10 साल लाइफ थी, आपके पैसे रिकवर हो गए, आप टाटा बाय बाय करो, ओनरशिप मुझे दे जाओ आप। ठीक है, क्लियर हो गया, तो दिस इज व्हाट मिस्टर एक्स वांट्स। अगला आया, फिर वो कहता है लीज विद लेसी हैविंग द रेजिडुअल बेनिफिट्स, वेयर द लेसी हैज द राइट टू शेयर द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल लीज पीरियड एंड टू रिन्यू द लीज एग्रीमेंट, और टू रिन्यू द लीज एग्रीमेंट। क्या करता है, मिस्टर एक्स ने एसेट वापस तो कर दिया मिस्टर वाई को, लेकिन वो बोलता है कि जब आपके पैसे रिकवर हो चुके हैं, कि अब लाइफ भी एसेट की पूरी हो चुकी है, मिस्टर वाई क्या करेंगे, मिस्टर वाई एसेट को सेल करेंगे। सपोज उन्होंने 5 लाख का सेल कर दिया, मिस्टर एक्स कहता मेरे को शेयर दो इस एसेट का, क्यों, क्योंकि मैंने उसे यूज किया, मैंने उसे मेंटेन करके रखा, इसीलिए आपका एसेट जो है वो 5 लाख रुपए का बिका, नहीं तो आपका एसेट ना बिकता। वो कहता मुझे इसमें से शेयर दो। क्लियर हो गया, राइट? तो ये थी हमारे पास फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं नवंबर 19 की अटेम्प्ट करूँ, जो मुझे लग रहा है कि लीजिंग फाइनेंस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि उन्होंने मई से तो वैसे ही रिमूव कर दिए। ठीक है, रिमूव इसलिए किया, ऑब्वियसली ICAI कोई चैप्टर या कोई टॉपिक रिमूव क्यों करेगा, अगर उसे रेलिवेंट नहीं इतना ज़्यादा लग रहा तो वो रिमूव कर देगा उसे। ठीक है, नवंबर 19 से रिमूव नहीं किया, बट मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि इसमें से बहुत कोई आपको बहुत लंबा चौड़ा या कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से 4 to 6 मार्क्स का कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें। ठीक है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोच समझ के देख के चलेंगे। अब मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव इंस्टीट्यूट ले सकता है, कि उन्होंने कैंसिल किया तो मतलब कि इतना ज़्यादा रेलिवेंट चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो हो सकता है कि वो आपसे प्रैक्टिकल पार्ट ना पूछे, बट यू नेवर नो विद द इंस्टीट्यूट, वो पूछ भी सकता है। ठीक, चलो जी, ये हो गया। उसके बाद आया सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्या चीज़ है,
एक मिस्टर एक्स है, ये ओनर है एसेट के, ही इज द ओनर ऑफ एन एसेट. ठीक है, यहां पर मिस्टर वाई है. ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एसेट सेल कर देते हैं. ठीक है, अब ये ओनरशिप किसकी किसके पास चलेगी, नाउ मिस्टर वाई इज द ओनर ऑफ एसेट. ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप. जब मिस्टर एक्स ने एसेट मिस्टर वाई को सेल किया है, लीज नहीं किया, सेल किया है, मतलब कि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मिस्टर वाई को, नाउ ही इज द ओनर ऑफ एसेट. अब अगला स्टेप क्या हो रहा है, ध्यान से समझना. अगले स्टेप में उसने बड़ी कमाल की गेम खेल दी, उसने क्या किया, अब मिस्टर वाई ने यही एसेट मिस्टर एक्स को लीज पे दे दिया. समझ रहे हो, सर्कल देख रहे हो क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स ने एक एसेट परचेज किया और मिस्टर वाई को बेच दिया, ओनरशिप किसके पास आ गई, मिस्टर वाई के पास. मिस्टर वाई ने वही एसेट मिस्टर एक्स को क्या किया, लीज पे दे दिया. ठीक है, तो अब यहां पर लेसर कौन है, ही इज द लेसर, क्योंकि जब लीज दी गई तो ओनर कौन था, मिस्टर वाई, एंड ही इज द लेसी. अब होगा क्या, मिस्टर एक्स को एक चीज की एश्योरेंस है कि जो एसेट मेरे पास आया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो एकदम अच्छी कंडीशन में है, एकदम टॉप क्लास एसेट है. क्यों, क्योंकि मैंने ही तो बाय किया था वो एसेट देखकर. ठीक है, और मिस्टर वाई को क्या बेनिफिट है, मिस्टर वाई ने पहले एसेट सेल किया, जब परचेस किया था तो उसने पेमेंट की थी, अब उसको लीज रेंटल्स मिल जाएंगे उसके, उसका पैसा तो वापस घूम जाएगा ना, उसको तो लीज रेंटल्स मिल जाएंगे उसके वापस, और मिस्टर एक्स को एसेट मिल जाएगा. क्लियर, तो ऐसे की भी चीज चलती है. अब सर इस केस में क्या वो एसेट सच में मूव करता है, मतलब मिस्टर एक्स की फैक्ट्री है दिल्ली में, ठीक है, और मिस्टर वाई की फैक्ट्री है बॉम्बे में, तो क्या मतलब एसेट पहले दिल्ली से बॉम्बे भेज देंगे हम, फिर वहां से फिर वापस एसेट को दिल्ली लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, बुक एंट्रीज होती हैं. बुक एंट्रीज के थ्रू इस सारी की सारी ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट दिया जाता है. क्लियर, चलो, हेयर द ओनर ऑफ एन एसेट सेल द एसेट टू अ पार्टी Who in turn, मतलब this buyer को उन्होंने लिखा, who in turn leases back the same asset to the owner for the consideration of lease rentals. समझ में आ गया, so the asset is not physically exchanged, physical movement नहीं है asset की, it is transferred by the way of book entries only. In this transaction, the seller assumes the role of lessee and the buyer assumes the role of lesser. मतलब कि ये seller था, ठीक है, और ये बायर था. अब बायर क्या बन गया, लेसर बन गया, और सेलर क्या बन गया, लेसी बन गया. तो वही उसने लिखा, द सेलर गेट्स द एग्रीड सेलिंग प्राइस एंड बायर गेट्स द लीज रेंटल्स. द मेन एडवांटेज इज दैट द लेसी कैन सेटिस्फाई हिमसेल्फ कंप्लीटली रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एसेट एंड आफ्टर पोजेशन ऑफ एसेट कन्वर्ट द सेल इनटू अ लीज एग्रीमेंट. क्लियर, बता दिया मैंने सारा कुछ, ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक और तरह की लीज बनती है जिसको हम बोलते हैं सेल एंड लीज बैक. उसके बाद आती है सेल्स एड लीज. सेल्स एड लीज, अंडर दिस लीज कॉन्ट्रैक्ट द लेसर एंटर्स इनटू अ टाई अप विद द मैन्युफैक्चरर. जो एक लेसर है वो मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप कर देता है फॉर मार्केटिंग द लेटर्स प्रोडक्ट थ्रू इट्स ओन लीजिंग ऑपरेशन. इट इज कॉल्ड सेल्स एड लीज. ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ द एड इन सेल द मैन्युफैक्चरर्स में ग्रांट ईदर द क्रेडिट और कमीशन टू द लेसर. दस द लेसर अर्न्स फ्रॉम बोथ द सोर्सेज, दैट इज द लेसी एंड मैन्युफैक्चरर. हो क्या रहा है, चलो ये भी समझ लो कि क्या इसमें ट्रांजैक्शन चल रही है. सेल्स एड लीज, ठीक है. अब एक कंपनी है वोल्टास जो कि एसी बना रही है, ठीक है. अब यहां पे एक मिस्टर वाई हैं जिनका एसी का शोरूम है, और ये क्या है, ये लेसर है, मतलब ये लीज पर दे देते हैं एसी की. गर्मी आएगी तो एसी ले लो लीज पर,
और जब सर्दी आएगी तो वापस कर देना। अब ये किसके साथ एग्रीमेंट करते हैं? इसके साथ। वो क्या एग्रीमेंट करते हैं? वो कहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो लीज पे एसी दूंगा वो कौन से दूंगा, मिस्टर एक्स को दिया लीज पे कौन सा, वो कहते हैं वोल्टास का एसी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, वोल्टास बड़ा खुश होता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है जी। वो कहता है अब इसके बदले में हम लोग आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। ठीक है, और मिस्टर वाई को इधर से क्या मिलेगा, इधर से इसको रेंटल मिलेगा। तो मिस्टर वाई की तो लॉटरी लग गई, उसको तो दो तरफ से मिल रहा है, एक तो वोल्टा से कमीशन क्योंकि उसके प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है, और दूसरी तरफ से उसको लीज रेंटल्स मिल रहे हैं जो उसने वोल्टास का एसी एक्स को दिया, उसकी तो लॉटरी लग गई। इसको बोलते हैं सेल्स एड लीज। क्लियर? चलो जी, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट आई एक लीवरेज्ड लीज। अब ये भी ध्यान से समझना ट्रांजेक्शन क्या हो रही है इसमें। देखो ये सारे टॉपिक्स आपके थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट हैं। लीवरेज्ड लीज, लीवरेज लीज में क्या हो रहा है, एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक एसेट बाय किया, बायज एन एसेट फॉर रुपीज 1 करोड़, 1 CR, राइट। अब इसके लिए उन्होंने क्या लिया, इसके लिए उन्होंने लिया लोन, लोन फ्रॉम SBI। ठीक है, मिस्टर एक्स ने एक एसेट बाय किया जिसके लिए उन्होंने लोन लिया SBI से, 1 करोड़ का उन्होंने लोन ले लिया। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने यही जो एसेट था यही एसेट उन्होंने लीज पर दे दिया आगे। ठीक है, जो जिस एसेट के लिए लोन लिया था SBI से वही एसेट उन्होंने क्या किया, लीज पे दे दिया, जिसका था 1 लाख रुपए, से फाइनेंशियल लीज थी, 1 लाख रुपए पर मंथ की लीज थी। चलो पर मंथ ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ की। अब मिस्टर एक्स क्या बोलता है, वो कहता है कि 1 लाख रुपए पहले मेरे पास आएगा लीज का, फिर मैं 1 लाख रुपए SBI को दूंगा। इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में इंटरमीडरी बिठा देते हैं, इंटरमीडरी बिठा देते हैं, वो यहां से लीज रेंटल कलेक्ट करेगा, SBI को दे देगा मेरे बिहाफ पे। वो कहता है इससे कि पैसा मेरे पास आए लीज का, लीज रेंटल चार्ज करेगा, मिस्टर एक्स के पास रिसीट होगी, उसके बाद वो कहता है मैं लोन की अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करूंगा SBI का। वो कहता है काम करो सीधा ही, जितना लीज का बनता है वो सीधा SBI को पहुंचा दो बस। वो कहता है सीधा तो चलो पॉसिबल नहीं है, कि इंटरमीडियरी बीच में बिठा लेते हैं, जो लीज रेंटल चार्ज करेगा मिस्टर वाई से, ठीक है, और दे देगा SBI को, अगर कुछ पैसा बचा तो वो जाएगा मिस्टर एक्स के पास। दिस इज कॉल्ड लीवरेज्ड लीज। ठीक है, अंडर अ लीवरेज लीज अरेंजमेंट द लेसर इधर एन इंडिविजुअल एंटिटी और अ ग्रुप ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट बोरोज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एसेट फ्रॉम अ लेंडर दैट इज अ कमर्शियल बैंक और अ फाइनेंशियल। SBI से उसने पैसा बोरो किया फॉर परचेजिंग एन एसेट, क्लियर, विथ फुल रिकोर्स टू द लेसी विदाउट रिकोर्स टू द लेसर। फुल रिकोर्स टू लेसी मतलब कि आगे वो लेसी को कहता है कि उसने ट्रांसफर कर दिया एसेट लेसी को। ठीक, द लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द लीज रेंटल्स टू बी पेड बाय द लेसी एंड क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज ऑन द एसेट इन फेवर ऑफ लेसर। क्योंकि लेसर क्या है, लेसर ओनर तो लेसर है ना, तो मॉर्गेज तो लेसर का होगा, लेकिन लीज रेंटल्स कौन पे करेगा, लेसी करेगा। ठीक है, बाय द लेसी द ट्रांजेक्शन इज रूटेड थ्रू अ ट्रस्टी हु लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर एंड लेंडर। द ट्रस्टी, ध्यान से पढ़ना, ट्रस्टी रिसीव्स द रेंटल्स फ्रॉम द लेसी। ये इंटरमीडियरी क्या करेगा, यहां से रेंटल्स लेगा और SBI को क्या देगा, इंस्टॉलमेंट दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ द लेसर। द ट्रस्टी और द इंटरमीडियरी रिसीव्स द रेंटल फ्रॉम द लेसी एंड पासिस ऑन टू द लेंडर
वो कहता है जितना आता है वो लेंडर को दे देता है, एंड द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम्स ऑफ लेंडर गोज टू लेसर. वो कहता है कि अगर उसके बाद कुछ भी बचता है तो वो किसके पास चला जाएगा, लेसर के पास. एज द ओनर ऑफ टेस्ट द एसेट द लेसर इज एंटाइटल टू टैक्स बेनिफिट्स बाय द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस. ये भी अगले लेक्चर में मैं इस पे डिटेल पे बात करूंगा क्या है. ठीक है, क्लियर हो गया. दिस इज कॉल्ड लीवरेज्ड लीज. अब इसके बाद एक और छोटी सी लीज आती है. आई डोंट नो कि आपके इंस्टीट्यूट की उसमें दे रखी है या नहीं दे रखी, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. इंपॉर्टेंट भी नहीं है इनफैक्ट. क्रॉस बॉर्डर लीज. क्रॉस बॉर्डर लीज में क्या होता है कि व्हेन लेसर एंड लेसी, व्हेन लेसर एंड लेसी आर इन टू डिफरेंट कंट्रीज, जब ऑल टुगेदर वो एक दो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वहां पर उसको अगर वहां से लीज एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर लीज. ठीक है, क्लियर हो गया. तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू लीज. ये जो था अभी हमने सारा कुछ जो भी डिस्कस किया, एक बेसिक था लीज का. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बेनिफिट क्या है, लेसी को क्या बेनिफिट है, लेसर को क्या बेनिफिट है, इन न्यूमेरिकल टर्म्स ऑल्सो. ठीक है, न्यूमेरिकली उन दोनों को क्या बेनिफिट होता है एक लीज एग्रीमेंट से, वो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. राइट, सो बेसिक्स वी हैव कवर्ड. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ लीजिंग फाइनेंस की फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है दोनों को, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस ऑन दैट. राइट, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. That is KSJ Teaching CA Inter. And for notes, for questions, you can visit the website www.ksjteaching.org. Right, so that's all for this lecture, friends. Thank you so much.